जाति में राजपूत और आपके बेटी भी सेवा नहीं होगी। देखिए लगातार हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो कोरोना की कर रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं सबके सामने है, किसी से कोई हालात छुपे हुए नहीं है। देश के अंदर कोरोना के साथ साथ जो एक महामारी आई है ऑक्सीजन नाम की, जिससे लोग वक्त वक्त पर देश के अंदर मर रहे हैं, उसी के बीच जो लोगों ने सवाल उठाए और लोगों ने घरों में रहना भी मजबूर हुआ, इसी को लेकर जो लोगों के सवाल उठी। मैडम जी देखिए हमारे साथ दो व्यक्ति बीजेपी से और कांग्रेस से जुड़े हुए, तो त्रिपाठी जी है कांग्रेस नेता और बीजेपी नेता भीम मैनन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद। सर देखिए भीम मैनन जी मैं आपसे पहला सवाल करूंगा, लोगों ने भी सवाल उठाया और हमने खुद देखा जो पश्चिम बंगाल के अंदर रैलियां हुई जिसमें पीएम साहब ने 1,00,000 लोगों के बीच विदाउट मास्क रैली की और बंद कमरे में जब मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ रैली की तो उसमें जो है मास्क के साथ दी, ऐसा क्यों? जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। जब पश्चिम बंगाल में जो अपने पीएम साहब हैं उन्होंने रैली की वहां पर 1,00,000 लोगों के बीच बिना मास्क के, और जब बंद कमरे में वह है मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं तो उसमें मास्क लगाकर ऐसा क्यों दिखावा करते हैं सर? देखिए जब बंगाल में जब रैलियां की हैं तो प्रधानमंत्री जी ने मास्क लगाकर ही लोगों के बीच में रहे हैं। जहां पे पब्लिक एड्रेसिंग माइक से किया गया वहां पे जो है मास्क नहीं पहना गया वो जरूर है, बाकी लोगों के बीच में जब भी रहे, लोगों के बीच में दरमियान जब भी रहे तो मास्क जरूर पहन के ही रहे हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज। नहीं सर बहुत, मैं 2-3 आपको ऐसी रैली दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज अब ऑक्सीजन की कमी है सर, जो अन्य राज्य की सरकार है वो बीजेपी की भी है, उन्होंने कहा पहले हम अपने लोगों को देखेंगे, जब दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली में इंडिया के लोग नहीं है सर जी, दिल्ली में इंडिया के लोग नहीं है, जो अन्य पार्टी है सरकार राज्य सरकार है जो बीजेपी से है, यूपी ले लो हरियाणा की सरकार ले लो, उसमें कहा गया है कि हम पहले अपने लोगों को देखेंगे, पहले हम अपने राज्य को देखेंगे। मिला जी एक और बार प्लीज बोल देंगे सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी थोड़ी कम आ रही है, प्लीज दोबारा बोलें। ऑक्सीजन को लेकर सरकार क्या कर रही है? पड़ोसी ऑक्सीजन को लेकर क्या कर रही है सरकार? ऑक्सीजन को लेकर देखिए, ऑक्सीजन को लेकर आपने देखा होगा केजरीवाल जी वहां अलग नाटक करते हैं, कोई और अलग नाटक कर रहे हैं। देखिए आपने पीछे जब हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन जब देखा होगा तभी देखा होगा कि दिसंबर 2020 में ही पीएसए प्लांट्स की मंजूरी दी गई और दिल्ली जैसे स्टेट में एक पीएसए बना जबकि दिसंबर में पासिंग हुई। और साथ में क्या है, हर स्टेट में सीएनजी सॉरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की पूरी मुहिम चल रही है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया गया। अब दिल्ली में जब रिप्रेजेंटेशन मांगा गया तभी की आप सुन लीजिए कि हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है ईस्ट में 15,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की बात करेंगे कि 15,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है, बट क्या है दिल्ली जैसा स्टेट जो है टैंकर ही मुहैया नहीं कराता स्टेट रेलवे को, किसमें आएगा? और कोर्ट ने फटकार भी लगाई दिल्ली सरकार को कि भाई आपके जो पॉलिटिकल हेड है, आपके मुख्यमंत्री हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुके हैं, इसके बावजूद क्या इनको काम करना नहीं आता? ये कोर्ट ने पूछा है उनसे। और ये भी कहा है कि भाई प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी स्टेट की है, भाई सेंटर प्रोवाइड कर रहा है उसको प्रोक्योर करें, उसके लिए ट्रैंकर भेजने का काम जो है स्टेट का है। और जहां तक कोविड काल में लोगों को दवाई मुहैया कराने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन मुहैया कराने की बात हो, केंद्र अपने स्तर पर सब जगह कर रहा है, चाहे वो स्टील प्लांट हो, सबको ऑर्डर्स दे दिए कि भाई आप जो ऑक्सीजन वो है उसे मेडिसिनल ऑक्सीजन प्रिपेयर किया जाए। इसके साथ साथ नोटिस जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है उन्होंने नोटिस जारी किया है कि भाई जितने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले जो फैक्ट्रीज हैं उनको लाइसेंस दिया जाए, जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करें उन्हें लाइसेंस दिया जाए मेडिकल ऑक्सीजन प्रिपेयर करने का। और हर जगह चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, हमारी सेना हो, सारी जो है वॉर फुटिंग पे है कोविड से डील करने के लिए। और आप मुझे बताइए ना जो विपक्ष क्या कर रही है, विपक्ष झूठ फैलाने का काम कर रही है। वहां सोनिया गांधी कहती है कि केंद्र को सीरम कंपनी अलग रेट पे दे रही है, स्टेट को अलग रेट में दे रही है, जो कि सीरम के सीईओ ने इस बात का खुलासा किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो स्टेट को जिस रेट में सीरम दिया जो वैक्सीन दिया जा रहा है वही स्टेट में भी दिया जा रहा है। तो भ्रम और झूठ की राजनीति चलाने से अच्छा इस टाइम पे एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है।
पर यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, झूठी बातें बोलना, प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक होती है उसकी उस वीडियो को एक झूठ के साथ रिप्रेजेंटेशन करना, यही चल रहा है जी। आप सर, अरुण सर, विपक्ष साथ पेश के अंदर इस वक्त हालात खराब है, इसमें देश सभी का है, इसमें मिलकर साथ क्यों नहीं दे रहा विपक्ष? देखिए कितने बहुत अच्छे तरीके से बीनू भाई ने झूठ बोला, और सुनने वाले जो श्रोता हैं वो यही कहेंगे कि जो केंद्र की सरकार है वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन कम से कम बीनू भाई को ये समझना चाहिए कि जब आज केंद्र की सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए हर जिला अस्पताल में लगाने की स्वीकृति दी है, तो ये कौन से ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं कि 2020 में स्वीकृति दिसंबर में दी गई थी। और दूसरी चीज, अगर दिल्ली की हम खास करके बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर एलजी के हाथ में बहुत कुछ होता है, आपको पता है मुख्यमंत्री के पास जितना अधिकार है उतना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी होता है। अगर ऑक्सीजन की कमी है और टैंकर केजरीवाल जी नहीं दे पा रहे हैं तो एलजी इस पे एक्शन ले सकते हैं, आपको भी ज्ञात है बीनू भाई, तो ऐसे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। दूसरी बात, अगर एम्स में ऑक्सीजन नहीं है तो एम्स केंद्र सरकार के अधीन आता है, यह आपकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, वहां पर ऑक्सीजन मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, आपदा नियंत्रण 2005 का जो कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि पूरे देश की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है, आपको पता है कि जब कोविड काल में आपदा नियंत्रण 2005 के साथ कार्य किया जाए, विपक्ष सत्ता में नहीं है लेकिन विपक्ष विपक्ष होने के नाते जितना जनसेवा करना है उतना हम कर रहे हैं, हम एक एक बारीकियां सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार अडिग है, सरकार तो चुनावी रैली में व्यस्त है। कितना सही सवाल पूछा है बिलाल भाई ने कि जब रैली में जाते हैं तो मास्क नहीं पहनते हैं, और बंद कमरे में जब संबोधन करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं तो मास्क पहन लेते हैं। ये देखिए, ये विश्व गुरु का जो ढोकला ढकोसलापन है ना, ये सबको पता चल चुका है, ये सबको पता है। 9000 मैट्रिक टन तो आप लोगों ने विदेश ऑक्सीजन भेज दिया, अपने देश के लोग मर रहे हैं। ये स्थिति आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस देश से कोई मतलब नहीं है, ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मतलब है। आपको ज्ञात होगा प्रधानमंत्री जी का एक पुराना ट्वीट है, कहिएगा तो हम शेयर कर देंगे आपको। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत को चलाने के लिए एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, और अगर आप देशवासी कहेंगे तो हम अपना झोला झप्पड़ उठा के चाय की दुकान खोल लेंगे, कहिएगा तो ट्वीट भेज देंगे। आज तक वो डिलीट नहीं हुआ है, ट्वीट प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से हुआ था, आपको ज्ञात नहीं है। तो बीनू भाई कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा समझिए, आपकी जिम्मेदारी, आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हमारी जिम्मेदारी थी और हम जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे। आपने देखा होगा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अपने एमपी ने फंड से 1,17,00,000 रुपए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे दिया कि इमीडिएट वहां जो भी समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य की वो की जाए। आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप बताइए। प्रधानमंत्री जी का वाराणसी का सांसद है, वाराणसी की क्या स्थिति है, आपको ज्ञात होगा। प्रधानमंत्री जी ने कितने बार अभी तक मीटिंग किए, कितने अधिकारियों से बातचीत करी, कितना एडवांस उसको पैसा दिया। सर सुनिए, देखिए जो देश के अंदर का जवाब मैं पहले बिलाल जी ये बताते हैं, हमारे त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि भाई केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र अपनी जिम्मेदारी तो बाखूबी निभा रही है। और जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, कोर्ट के मैं वर्डिंग्स आपको पढ़ के सुना देता हूं। एवरी स्टेट इज अरेंजिंग इट्स ओन टैंकर्स, इफ यू आर नॉट हैविंग योर ओन टैंकर्स अरेंज देम। ये कोर्ट के आदेश है दिल्ली सरकार के लिए। अरे भैया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी अधिकार है केंद्र शासित प्रदेश में। वी आर नॉट हियर टू फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑफिसर्स, ये कोर्ट की बात है। और जहां तक बात रही केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की, और जहां कांग्रेस, तो देखिए आपको खुद याद होगा बिलाल जी, जो देश के वैक्सीन के ऊपर संदेह कौन जताते हैं, राहुल गांधी। और कांग्रेस अपने आप में, जो कांग्रेस अपनी उपलब्धि जो गिना रही है, पिछले साल आपको याद होगा कोविड के टाइम पे राजस्थान कांग्रेस शासित प्रदेश है, 2,50,000 N95 मास्क चोरी हो गए थे, इस बार 320 वैक्सीन चोरी हो गए राजस्थान में। तो और साथ में आप देखें जो अपना छत्तीसगढ़ है, ये कांग्रेस प्रशासित क्षेत्र है, वहां पे 270 बेड का एक रेलवे ने रांची में बेड वो तैयार किया हुआ है इंतजाम, पर उसमें एक पेशेंट नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्या लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा? ये चीज दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली में आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है और दूसरा रेलवे स्टेशन है वहां पे शकुर बस्ती का रेलवे स्टेशन है,
वहां पे चार चार का जो रेलवे ने इंतजाम किया हुआ है, वहां यहाँ पे लोग हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है दिल्ली में, पर दिल्ली सरकार सरकार की वाहवाही ना हो जाए। मेरी बात सुनिए सर, मेरी एक बात सुनिए, देखिए दिल्ली के अंदर या अन्य राज्य के अंदर कोई भी अगर एक्सपायर होता है, कोरोना से डेथ हो जाती है, वो एक देश का नागरिक है, हम सबको दुख होना चाहिए। बड़े दुख की बात होती है सर जब दिल्ली के जो पूर्व मुख्य वो क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया जी बोलते हैं कि हमें टैंकर अंदर मिला है, सरकार अगर रोक रही है ऑक्सीजन के टैंकर। मिसमैनेजमेंट जो है सबसे ज्यादा जो है देश में प्रॉब्लम मिसमैनेजमेंट से आती है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको एम्स का कि भाई अगर इन 6-7 सालों में अगर 15 एम्स बन सकते थे तो 70 सालों में और ज्यादा बन सकते थे, ये मैंने एग्जांपल दिया। और जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ लापरवाही है, ये मैंने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया, 270 बेड जो है रेलवे ने दिया है पर वहां पे एक पेशेंट नहीं भेजा हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको पंजाब, पंजाब तो कांग्रेस भाई आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, बस आप रेलवे कहा क्यों नहीं ट्वीट करते, आप जाइए मदद करिए लोगों का, जो हॉस्पिटल और बेड मांग रहे हैं उनको क्यों नहीं आप बताते कि जाइए वहां एडमिट हो जाइए, ट्विटर पे मदद मांग रहे हैं, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? पंजाब सरकार को मिला था रही है क्या ये, क्या ये वहां के रोगियों का वहां के पेशेंट्स का हक नहीं मार रहे पंजाब सरकार? 250 वेंटिलेटर फुल खा रही है, 36,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स बनाए गए, ये हर स्टेट बनाया गया, उसमें से एक स्टेट है फुल खा रही है, ये तो रिपोर्ट है, ये तो पंजाब की रिपोर्ट भाई। अरुण भाई, भाई ऐसा मुझे क्यों भाई, बीनू भाई सुन लीजिए, बीनू भाई सुन लीजिए, हम कहा, अरे भैया हम आपकी बात मान रहे हैं, सुन लीजिए, हम आपकी बात मान गए कि आपने 50,000 वेंटिलेटर बना दिए, आपने पूरे देश में हॉस्पिटल बना दिए, पूरे हर जितने भी सरकारी रेलवे थे सब हॉस्पिटल बना दिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, इस देश की जनता को मूर्ख बीनू भाई, इस देश की जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं, आप इस देश की जनता को मूर्ख नहीं समझ रहे हैं ना अरुण भाई, फेसबुक व्हाट्सएप पे सुन लीजिए, जो हॉस्पिटल की जरूरतें डालता है, कहता है मुझे बेड नहीं मिल रहा, आपका भारतीय जनता पार्टी का रांची में प्रदेश अध्यक्ष तो होगा ना झारखंड का, आप उनको कहिए ना कि कम से कम वो रास्ता बता दें कि कौन सा हॉस्पिटल आप खोले हैं, कौन सा रेलवे का आइसोलेशन सेंटर खोले, उसका रास्ता ही बस बता दीजिए तो आप लोग अच्छा काम करेंगे। आप लोगों नंबर तो हम आपको बीजेपी के बात करेंगे, देश के हालात है इस वक्त बहुत ही चिंताजनक है और समझना होगा हम लोगों को, जो देश के अंदर देखिए, देश के अंदर जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए वहां पर रैली में लोग गए, रैली में से आकर वो अपने घर गए, अपने घर में रायता फैलाया, उनके घर वालों ने और भी रायता फैलाया, जो रायता हमारे सामने ऐसी हालत लेकर बैठे हुए, पड़ोस में किसी की मौत हो जाती है तो 10-10 दिन लोग धरती पर रहते हैं, चाहे उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई या सांस रुकने से हुई या कोरोना से हुई, लोगों का डर आज भी रहता। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन में आप लोग हो या मैं डिबेटर जो है करते हैं बैठ कर टीवी चैनल पर, आपने ये किया 70 साल में, उन्होंने ये नहीं किया, सोचने का विषय यह है सर, आप क्या कर रहे हैं, अब पक्ष और विपक्ष क्या कर रहा है सर, ये नई जो महामारी आ गई ऑक्सीजन को लेकर, इसको लेकर भी कौन ज्यादा चिंताजनक है सर? देखिए पक्ष और विपक्ष तो दोनों की बराबरी है, आज इनकी सरकार है, हो सकता है आपकी भी बना होती, पर काम अभी से करना होगा। देखिए बिलाल भाई, आपको ज्ञात होगा कि प्रियंका गांधी जी ने छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन भिजवाए लखनऊ, क्यों भिजवाए? क्योंकि उनको चिंता थी, क्या मोदी जी नहीं भिजवा सकते थे? भिजवाना चाहिए, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, ये कह रहे हैं रक्षा की सेना लगी हुई है, रक्षा के जहाज लगे हुए, अरे भाई एक जहाज वहीं उतार देते ऑक्सीजन के लिए, क्यों नहीं उतार रहे हैं आप? कम से कम इतना तो ध्यान रखिए। देखिए जहां तक आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हर जगह ऑक्सीजन जो है, सबसे पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है, उत्तर प्रदेश में तीन विधायक मारे जा चुके हैं ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी से खाली टैंकर्स को एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा रहा है, और यहाँ कांग्रेस में करके भाई टीवी में देख कर क्या बता रहे हैं, आपने कितने करवाए हैं, कहाँ भिजवाई ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी कहाँ भिजवाई है बताइए,
अंधेरे को सॉरी छेद को अंधेरे को अंधेरे से बंद करने से काम नहीं चलता है। और जहां तक केंद्र सरकार का जो काम है वो ग्राउंड रियलिटी में है। अगर एक भैया थोड़े से सांस के लिए लोग मर जा रहे हैं आप वही थोड़ा दे दिए होते जान तो बचा लेते हैं। अंधेरे को छेद से नहीं बंद कर रहे हैं। 500 बेड का अस्पताल क्या है तो आपने किया है मदद से अगर 1500 अस्पताल दिल्ली में बनाया तो केंद्र ने बनाया आपके बारे में और वो खुद कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिला है। आपको ज्ञात होगा खुद आपके विधायक लिख रहे हैं खुद स्वास्थ्य मंत्री पे लिख रहे हैं। आप लोग आपका अलायंस वाली सरकार है वहाँ पे फेल वहाँ पे सबसे उनको देश में बनाए गए से भरोसा नहीं था। ग्राउंड रियलिटी में काम किया वो मुझे बता दीजिए लोगों को काम किया मुझे बता दीजिए जवाब देना जनता को। सर इस वक्त जो देश के हालात है वो सभी के सामने है और ऑक्सीजन की कमी है ऑक्सीजन की महामारी है कोरोना की वो भी आपके सामने है पर देश के अंदर जो इस वक्त हालात को बहुत सोचने पर मजबूर कर देते हैं और पार्टी चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई सी भी पार्टी हो चाहे वो इस वक्त सत्ता में है या नहीं है पर सभी की एक अपनी जिम्मेदारी है वो आम नागरिकों की मदद करे उन तक मदद पहुंचाए जो जहां तक पहुंचा सकता है। फिर सवाल ये है कि हम लोग एक दूसरे को ये ज्ञान दें कि आपकी सरकार ये कर रही है इस तरीके से काम करना चाहिए या आपने आप पक्ष का है या विपक्ष का आप ये काम करना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने इसमें जो है चिंताजनक बहुत है और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मदद कैसे होती है लोगों की और आप लोग कर भी रहे हैं। सिर्फ मेरा ये मानना था कि आप लोग मैं भाई आपसे भी कहता हूँ गिरी मैनेजर आपसे भी कहता हूँ कि सरकार देखिए काम अपना कर रही है पर कोशिश कीजिए जहां भी चुनाव है वहां चुनाव ना हो क्योंकि मैं इस वक्त जो उतरा हुआ हूँ मैं वार्ड नंबर 21 अमरोहा यूपी में मौजूद हूँ जहाँ पे मैंने नीचे सर्वे किया तो लोगों पे ना मार्क्स है ना नेताओं के मुंह पे मार्क्स है आम जनता पे मार्क्स है तो राय का बहुत बुरा करके अपने अपने घरों में जाकर बनाते हैं तो हमें कोशिश करनी होगी इसको अभी रोकना होगा जहाँ जहाँ चुनाव है वहां पर कोशिश करके चुनाव रुकवाया जाए ये चुनाव आयोग खुद अपना स्तर से देखे। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए कल के टॉपिक के साथ मिलेंगे लगातार आप देख रहे हैं टीवी सर्विस हिंदी।